जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो राधा रानी की, विश्वान नंदिनी की जय हो। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, और आप सभी भक्तों को श्री बरसाना धाम से प्यार भरी राधे राधे। आपका हर दिन मंगल में हो, और आपकी हर रात्रि भी श्री जी के चरणों में हो। तो आप सभी भक्त नित्य प्रति श्री जी के महलों से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और शुभ रात्रि भी श्री जी के महलों से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मत्था टेकते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी इसी जगमोहन में दर्शन देती हैं। जय हो लाडली लाल जू की, जय हो श्यामा प्यारी की जय। ये महारानी का दिव्य महल श्री हरगोलाल सेठ जी के द्वारा बनवाया गया, और जिस दिन से इस महल को बनवाया गया, अब तक इस महल में दोबारा से इसकी मरम्मत के लिए कोई कारीगर नहीं लाए गए। तो एक बार आप सभी भक्त संपूर्ण महल के दर्शन कीजिए। और यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी भक्त है, जो कि इस लाडली जू की छवि को बहुत देर से निहार रही है। और अब हम चलते हैं श्री राधा रानी के महल में, कामधेनु गौ माता के पास। और आज की पोशाक बहुत ही सुंदर है, मैंने कल भी बताई थी, सुनील की पोशाक है, क्योंकि आज बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सबसे पहले हम गौ माता के दर्शन करते हैं। जय हो गौ माता, जो कि हमारे कृष्ण की, हमारे गोविंद की सबसे प्रिय थी। ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते थे, और ये गैया इसलिए चराते थे कि ताकि मैया हमें दूध और माखन दे सके। तो हम सभी भक्त गौ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। जय हो गौ माता, जय हो गौ माता, जय हो गौ माता की जय हो। तो यहाँ से हम गोपाल जी के चरणों में भी अपनी हाजिरी लगाते हैं। जय हो गोपाल जी। आप सभी शेयर करते रहिए, सभी को राधे राधे। श्री लाडली लाल विजयदेव राम, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। तो अब हम स्वामी जी महाराज पर मत्था टेकते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे श्री जी के महलों की ओर, और श्री जी के सिंहासन पर। जय हो स्वामी जी महाराज की, जय जयकार हो स्वामी जी महाराज की, जय हो। देखिए यहीं से हमें रात्रि में शयन के समय और दोपहर में राजभोग को जो भोग लगाते हैं, वो हम लाडली जू महाराज के जो स्वामी जी हैं उनको हम यहीं से भोग लगाते हैं, और महाराज यहीं से भोग स्वीकार करते हैं। जय हो लाडली लाल जू की जय। आप सभी भक्त शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। जय हो राधा रानी की, जय हो विश्वान तुलारी की। और हम श्री जी के महल से सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे। सूर्य भगवान ने भी अपनी किरणें श्री जी के महल में बिखेर दी हैं, और ये भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए श्री जी के महल में आ चुके हैं। बाहर बहुत फॉग है, लेकिन सूर्य भगवान के आने के बाद पूरा आसमान साफ हो जाएगा। यहाँ से आप
श्री जी के महल के संपूर्ण महल का दर्शन कीजिए और फिर हम आपको बरसाना धाम के दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम लाडली जी की पोशाक के ललिता विशाखा सखियों के और श्री राधा रानी जहाँ बैठती है ना, जहाँ दर्शन देती हैं, उस सिंहासन पर आपका मत्था टकवाएंगे। जय हो लाडली लाल जू की जय, जय हो श्यामा प्यारी की जय हो। आप सभी शेयर करते रहो, कमेंट भी करते रहें। देखिए कमेंट और लाइक आप जितने ज़्यादा करोगे उतना ही हमारा वीडियो बूस्ट होगा और भी भक्तों तक पहुंचेगा। जय हो राधा रानी की। और यहाँ से हम श्री जी की ध्वजा के दर्शन करते हैं। जो शिखर है वो हमारी श्री राधा रानी की सबसे पुरानी शिखर थी और अब भी है। राधा रानी शुरुआत में यहीं इसी जब यह ध्वजा नहीं थी ना, ये शिखर थी, सिर्फ एक झोंपड़ी में श्री राधा रानी की सेवा हुई है। तो आप समझ सकते हैं श्री जी की सेवाएं गोस्वामियों ने कितने कैसे कैसे टाइम पर की। और आज श्री राधा रानी के चमत्कारों की वजह से श्री जी के इस दिव्य महल को बनवाया गया, राजभोग की सेवाएं लगाई गई। यहाँ से आप एक बार संपूर्ण बरसाना धाम के दर्शन कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं फॉग अभी छाया हुआ है, जैसे ही सूर्य भगवान की किरणें आएंगी तो सारा फॉग खत्म हो जाएगा। तो आप हमारे लाइव के माध्यम से लीलाओं का आनंद लेते हैं। और आज चलिए आप सभी कमेंट करके बताइए कि आज हमारी श्री लाडली जू ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। सभी कमेंट कीजिए। और आज देखते हैं बहुत दिनों के बाद ये एक भाव जानने को मिलेंगे हमें कि आप सभी कमेंट कीजिए और उसके बाद खुद लाइव में देखिए कि राधा रानी ने कौन से कलर की आज पोशाक पहन रखी है। सभी मुझे कमेंट करिए, मैं देखता हूँ किन भक्तों के भाव श्री जी तक पहुँचते हैं। आप सभी इस लाइव के माध्यम से जुड़कर श्री जी की नित्य लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सफाई हो रही है। कृष्ण जी कहते हैं डार्क ब्लू, जय हो। और भी मुझे कमेंट कीजिए और देखिए साथ के साथ शेयर भी करते रहिए। सभी मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि हमारे से लाडली जू ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। निशा राजपूत जी कहती हैं पिंक, हिमानी जी कहती हैं ब्लू। निशा राजपूत जी पिंक और येलो कहती हैं, दीपेश जी कहते हैं रेड। वो देखिए हम चलते हैं लाइव में, चलेंगे आपके साथ श्री जी के उस दिव्य पोशाक के भी दर्शन करेंगे। नीला रंग की जो पसंद है राधा रानी को, रूमा जी कहती हैं नीला रंग, निया आचार्य जी कहती हैं डार्क ब्लू। कुल मिलाकर ज्यादातर भक्त डार्क ब्लू बोल रहे हैं। निशा जी कहती हैं पिंक और तुम्हारे विपिन जी कहते हैं ऑरेंज। और आप सभी ऐसे ही कमेंट करते रहिए और श्री जी की जो दिव्य पोशाक के हम दर्शन इसी प्रांगण में करने के लिए आपको ले चलेंगे। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों को हमारे इस लाइव के माध्यम से श्री जी की लीलाओं से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय हो राधा रानी की। तो कुल मिलाकर सभी भक्तों के कमेंट आ चुके हैं। शिवानी शर्मा जी कहती हैं ब्लू, शैली अवतार जी कहते हैं डार्क पिंक। कुल मिलाकर सभी कमेंट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। जय हो तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी ज्योत जगाए हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता, जय हो मेरी गौ माता। और श्री जी का जो महल है, राधा रानी की श्रृंगार आरती सर्दियों में 8:30 बजे होती है। तो आज देखिए संडे का दिन है, आज शायद
संडे का दिन है, बहुत भक्त आराम भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए श्री जी के महलों से शुरुआत अगर आपकी होती है तो आपका पूरा दिन आनंदमय होता है। और हमारे एक देखिए बहुत ही प्यारी सी दिखाना, तस्वीर दिखाओ किसकी है, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा रानी दिखाना। जय हो राधा रानी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। कितनी सुंदर छवि, ये हमें ठंड ना लगे इसलिए प्यारी सी स्टॉल सॉल के साथ उड़ाया गया है लाडली जी को, प्यार से लाड़ से लाडली जी को लाड़ लड़ाया गया है। आप सभी भक्त शेयर कीजिए, देखिए इनका जो भाव कितना प्यारा है। कौन है ये लाडली जो, राधा रानी, जय हो राधा रानी की। आप सभी शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलकर हाजिरी लगाइए। और देखिए इतने छोटे छोटे भक्त, जब श्री जी के महल में ऐसी भक्ति हमें देखने को मिलती है, जो उम्र इनकी खिलौनाओं से खेलने की है उस उम्र में ये ठाकुर जी की भक्ति करते हैं और माला झोरी लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, तो देखिए ये बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। जो बाल रूप में जो हमें भक्त के दर्शन होते हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। आप सभी शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और हम चलने वाले हैं श्री लाडली जू के प्रांगण में, लाडली जू की चौखट पर, श्री लाडली जू की दहलीज पर। बने रहिएगा हमारे साथ, लाइव को शेयर भी करते रहिएगा। आपके एक लाइव के माध्यम से सभी भक्तों को जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो। यहाँ से आप इस प्यारी सी छवि के दर्शन कीजिए और ये हमारी सखियों के दर्शन कीजिए, और उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं श्री राधा रानी की दहलीज पर, दिव्य चौखट पर। आप सभी शेयर करते रहिए ताकि हर दिन की शुरुआत श्री लाडली जू की दिव्य चौखट से हो सके। जय हो राधा रानी की, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। और यहाँ से आप एक बार श्री लाडली जू की इस दिव्य चौखट पर मत्था टेकिए और अपनी हाजिरी लगाइए। जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो राधा रानी की, श्री विश्वान दुलारी की जय हो। हे लाडली जू, तुम्हारे दर पर आने से पहले बड़े कमज़ोर होते हैं, और जब हम आपकी चौखट के दर्शन करते हैं तो कुछ और होते हैं। जय हो लाडली लाल जू की, जय, जय हो श्यामा प्यारी की, जय। श्री राधा, 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 श्री राधिका, श्री राधिका, श्री राधिका, श्री राधिका, जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। तो एक बार हम यहाँ मत्था टकवा कर आपको लिए चलेंगे स्वामी जी की चौखट की दहलीज पर, हमने दर्शन कराए और उसके बाद हम सिंहासन पर दर्शन कराएंगे। लाडली जू के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। जय हो लाडली जू के चरण कोमल माखन से भी प्यारे हैं। जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो राधा रानी की। और यहाँ आप जो श्री जी के चरण कमलों के बीच में जो कमल के दर्शन हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ हम मोबाइल नीचे करेंगे, मत्था टकवाएंगे। आप सभी मानसिक रूप से शेयर कर कर अपनी हाजिरी तो लगाइए, लेकिन और भी भक्तों को जोड़िए, और भी भक्तों को इस लाइव के माध्यम से जोड़िए, ताकि सभी भक्तों को श्री लाडली जू की दिव्य चौखट के दर्शन के साथ प्रातःकाल श्री राधा रानी की दिव्य पोशाक के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। और आप सभी इतना शेयर करते हैं, सच में बहुत आनंद आता है, और इतने लोग जुड़ते हैं और वह लाइव
एक स्पेशल लैब में तब्दील होता है। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय। यहाँ से आप तुलसी माता के दर्शन कीजिए। ये महल की वह दिव्य तुलसी माता है जिन्होंने हमारे ठाकुर जी के साथ तुलसी विवाह किया था, तो यहाँ आप इनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। और तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माँ। और आप सभी ऐसे ही शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री लाडी जी के चरणों में लगाइए। और हम यहाँ ये प्यारी सी छवि के भी दर्शन कीजिए, जहाँ लाडली जू शयन कर रही हैं और ललता जू चरण दबा रही हैं, वहीं श्यामा जू तरस रहे हैं लाडली जू के चरणों की सेवा करने के लिए। और यहाँ भंडारी बाबा पान की तैयारी में लगे हुए हैं, श्री राधा रानी को अभी पान भीड़े का भोग लगेगा, तो वह पान की तैयारी अभी से स्टार्ट होगी, तब जाकर वो आधे पौने घंटे में श्री लाडली जी के दिव्य और बहुत ही सुंदर श्री राधा रानी का महाप्रसाद जो होता है पान भीड़े का, वो लगाया जाएगा। तो राधा रानी सभी भक्तों पर कृपा करती हैं और लाडली जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसी बनी रहे। आप सभी लाइव को शेयर करके आगे बढ़ाते हैं, सच में बहुत आनंद आता है। और कई भक्तों के जो सवाल होते हैं वो भी हम देते हैं। तो महल में सूर्य भगवान की किरणें पूरी तरह से आ चुकी हैं, आप बने रहिए, शेयर करते रहिए। और अभी हम आपको श्री राधा रानी के दिव्य सिंहासन पर, राधा रानी के उस दिव्य सिंहासन पर दर्शन कराएंगे, जहाँ की राधा रानी अभी बैठ कर सभी भक्तों को दर्शन देंगी। और उस दिव्य पोशाक के भी दर्शन कीजिए जिसे पहनकर आज राधा रानी सभी भक्तों को दर्शन देंगी, और वो मनमोहक नज़ारा होगा आज की इस दिव्य पोशाक का। क्योंकि आज की पोशाक में हमारी लाडली जी के जो मुख के दर्शन है ना, वो पूरी तरह से लाडली जी के एक एक अंगों के दर्शन होंगे। तो आप सभी भक्तों ने मुझे कमेंट के माध्यम से कहा भी है कि लाडली जी ने ऐसे कलर की पोशाक पहनी है, किसी ने पिंक, किसी ने ब्लू, किसी ने येलो। तो कुल मिलाकर सभी भक्तों ने अपने भाव श्री जी को अर्पित किए। और अब हम चलते हैं श्री लाडली जी के दिव्य सिंहासन पर। आप शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त हमारी लाइव से जुड़कर आनंद ले सकें, और आप जितने शेयर करोगे उतना ही हमारी लाडली जी की कृपा सभी भक्तों पर पहुंचती रहेगी। और एक यहाँ प्यारा सा दोहा, मरनो होए तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, और कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पढ़ो दरबार, ये कौन पढ़ो दरबार। और आप नित्य प्रति श्री राधा रानी के महल के दिव्य दर्शनों का आनंद लेते हैं और अपनी हाजिरी श्री लाडली जी के चरणों में लगाते हैं। और अब हम बिना देर किए चलते हैं श्री राधा रानी के इस जगमोहन में, श्री राधा रानी के दिव्य सिंहासन पर। वहाँ भी आपको हम श्री राधा रानी की पोशाक के साथ साथ ठाकुर जी के उन दिव्य कटारों के दर्शन कराएंगे, जिन्हें पहनकर आज ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आपको अगर ऐसा सौभाग्य मिले कि राधा रानी के श्रृंगार का, जब भी आपको अगर ठाकुर जी के लिए कुछ अगर लेकर आना है, तो ठाकुर जी के लिए वो मोरपंख लाइए, ठाकुर जी के लिए वो कटार लाइए, और अपने घर पर श्री राधा रानी के लिए चंद्रिका बनाइए, जिसकी हम एक वीडियो अपने यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। और आप अपने घर पर भी श्री राधा रानी की